हमारे सामने आप 9th क्लास का सूरत अल अनफाल का तर्जुमा और तशरीह स्टार्ट है। कल हमने मोमिनीन की सिफात जो हमारा जो सबका लेक्चर था उसमें पढ़ी थी। आज हमारा जो सूरत अल अनफाल का तर्जुमा और तशरीह स्टार्ट है, हम उसको जो है ना ट्रांसलेट एंड एक्सप्लेन करेंगे। डियर कैडेट्स, कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका बिलहक, अल्लाह फरमाता है कमा जैसा कि अखरजका आपको निकाला, रब्बो का आपके रब ने, मिन बैती का आपके घर से, बिल हक के हक तदबीर तदबीर के साथ। ये क्रेडिट्स इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि जैसा कि आपको आपके रब ने तदबीर के साथ आपके घर से निकाला। यहां पे बात हो रही है जंगे बदर की। जब जंगे बदर शुरू हो रही थी तो मुसलमान डायरेक्ट अबू जहल के लश्कर से लड़ने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि अबू जहल का लश्कर तो बहुत बड़ा था। जब मुसलमानों का उसके साथ मुकाबला हुआ, अबू जहल का लश्कर जो था वो 1000 मुशर था, घोड़े थे, हथियार थे, लेकिन मुसलमान 313 थे। मुसलमान डायरेक्ट लड़ने के लिए नहीं गए थे उनके साथ। अल्लाह फरमाते हैं मैंने उनको तदबीर के साथ अपने घरों से निकाला। वो कैसे निकाला? अबू सुफयान का तजारती काफिला शाम से मक्का आ रहा था, मदीना के रास्ते से गुजरना था, मुसलमानों ने उन पर हमला करना था। जब अबू सुफयान को यह खबर हुई कि आप मुसलमान हमला करना चाहते हैं, उसने अबू जहल मक्का की तरफ पैगाम भेजा अबू जहल को कि वो मेरी मदद के लिए मदीना आ जाए। जब अबू जहल मदीना मुसलमान अबू सुफयान की मदद के लिए निकला तो उधर अबू सुफयान अपनी जान बचा कर निकल गया। अब मुसलमानों का वास्ता पड़ गया अबू जहल के लश्कर से जो था 1000 पे मुश्तमिल, क्योंकि अबू सुफयान का जो शाम से तजारत करके आ रहा था वो तो बहुत थोड़ा लश्कर था, मुसलमानों ने तो उस पे हमला करना था, लेकिन लेकिन वो जान बचा कर निकल गया। अब मुसलमान को वास्ता पड़ा अबू जहल के लश्कर से। इसी तरह अल्लाह फरमाता है मैंने आपको आपके घर से हक तदबीर के साथ निकाला। अल्लाह ताला ने तदबीर के साथ निकाला लड़ने के लिए। अबू सुफयान के तजारती काफिले के साथ गए थे, लेकिन अबू सुफयान के तजारती काफिले को अल्लाह ताला ने बचा लिया। अब मुसलमानों का वास्ता पड़ गया अबू जहल के लश्कर से। और ये भी क्यों वास्ता पड़ा अल्लाह ताला ने फरमाता है कि इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि अल्लाह ताला काफिर के गुरूर और तकब्बर को खाक में मिलाना चाहता था। ये जो काफिर का गुरूर और तकब्बर था ना, उनकी तादाद में बहुत ज्यादा है, वो मुसलमान को खत्म कर देंगे। अल्लाह ताला ये गुरूर और तकब्बर को खत्म करना चाहता था। काफी तादाद के काफिर थे, थोड़े से मुसलमानों के साथ उनकी लड़ाई के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी, काफिर का गुरूर खाक में मिल गया। आज तक गैर मुस्लिम, आज तक काफिर अपनी उस शिकस्त को नहीं भूल पाए। وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, जब अल्लाह ताला ने आपको आपके घर से तदबीर के साथ निकाला, وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, मोमिनों की एक जमात, لَكَارِهُونَ, नाखुश थी। जब मुसलमानों का आमना सामना हुआ अबू जहल के साथ, तो कुछ मुसलमान परेशान थे, नाखुश थे कि हम तो लड़ने आए थे अबू सुफयान के साथ, अब हमारा वास्ता जो है अबू जहल के साथ पड़ रहा है, हम तादाद में बहुत थोड़े हैं और वो बहुत ज्यादा हैं, हम कैसे लड़ेंगे? वो नाखुश थे। अल्लाह ताला सूरत यहां से बता रहा है कि सहाबा इकराम कुछ नाखुश थे इस बात से कि हमारी लड़ाई अबू जहल के लश्कर के साथ क्यों हो रही है। तो अल्लाह फरमाता है युजादिलूनका फिल हक, वो हक बात में इसके जाहिर हुए, मिन बाद इसके बाद, मा तबज्जना जाहिर होने के बाद, वो हक बात में वो आपसे युजादिलूनका, वो आपसे लड़ने लगे, फिल हक, हक बात में, बाद में इसके जाहिर हुए, वो हक बाद में इसके जाहिर हुए और फिर बाद में आपसे लड़ने लगे। हक बाद में इसके जाहिर हुए से क्या मुराद है कि यानी कि जब अबू सुफयान का लश्कर जो था उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को बुलाया तो वो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला लड़ने के लिए तैयार हो गए, सारे सहाबा इकराम। अब जब अबू जहल का लश्कर हुआ सामने आया तो कुछ सहाबा इकराम जो थे वो आपस में लड़ने लगे, ठीक है, आपस में लड़ने लगे, यानी नाखुश थे, लड़ने लगे आपस में। अल्लाह फरमाता है हक बाद में इसके जाहिर हुए, बाद में इसके लड़ने लगे। जैसे कि इनल मौत हांके जाते हैं, साकुन हांके जाते हैं, इनल मौत मौत की तरह हम जन जरूर नजर से देख रहे हैं, वो ऐसे आपस में लड़ने लगे जैसा कि वो मौत की तरफ हांके जा रहे हैं, उन्हें मौत की तरफ दिखाया जा रहा है, इनल मौत वो मौत को देख रहे हैं। डियर कैडेट्स, सारे पसे मंजर को अगर देखा जाए तो पता चलता है कि
जब मुसलमान अबू जहल के साथ लड़ने के लिए अपने घरों से निकले अबू सुफयान के साथ, तो वो अबू जहल के साथ लड़ने के लिए नहीं गए थे, वो लड़ने के लिए अबू सुफयान के साथ गए थे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अबू सुफयान को बचा लिया क्योंकि वो तादाद में थोड़े थे और मैं यहां लड़ाना चाहता था मुसलमानों को बड़े लश्कर के साथ। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने मुसलमानों को, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वही होकर रहने वही जो है होकर रहने वाला है। अल्लाह चाहता था कि मुसलमानों की लड़ाई हो अबू जहल के लश्कर से। हाँ, एक और बात यह है, अल्लाह ताला ने दो घरों में से एक वादा भी फरमा दिया था, दो घरों में अहले सुफयान का तजारत का अपना एक अबू जहल का जंगी लश्कर है, एक वादा फरमा दिया था जंग से पहले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दे दी थी कि दो काफिरों में से अबू जहल का जंगी लश्कर या अबू सुफयान का तजारत का अपना, इनमें से एक जो है वो मुसलमान के हाथ आएगा, मुसलमान इसमें फतह हासिल कर लेते हैं कर लेंगे। और दो घरों से बात की यही है कि अबू जहल का तजारत जंगी लश्कर और अबू सुफयान का तजारत का अपना, ये जो दो ग्रोह थे इन दो ग्रोहों में से एक जो था अल्लाह ताला ने वादा फरमा दिया कि मुसलमान उस पे काबिज हो जाएंगे। अब मुसलमान ये चाहते थे कि जो काफिला बगैर शान शौकत के है बगैर असलहे के है वो मुसलमानों के हाथ आ जाए क्योंकि मुसलमान तादाद में बहुत थोड़े थे। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि मैंने मुसलमानों को लड़ाना था अबू जहल के लश्कर से एक बड़े लश्कर के साथ क्योंकि मैंने काफिरों का गुरूर खाक में मिलाना था। अब अल्लाह ताला काफिर का गुरूर खाक में मिला रहा है कैसे, 313 सामने ग्राम हैं, चंद तलवारें हैं, चंद घोड़े हैं और उधर बहुत बड़ा लश्कर है। जब अपने घरों से निकलते हैं गुरूर करते हुए तकब्बुर करते हुए कि हम आज मुसलमानों को खत्म कर देंगे, लेकिन अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को काफिरों पर गलबा यानी कामयाबी के पहले से बशारत दे दी कि आप इनके गालिब आ जाएंगे। और एक बात और भी मैं आपको बताता चलूं, देखिए बेस कि जब जंग शुरू नहीं हुई थी, जंग शुरू होने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक जगह के निशान बताकर एक एक जगह पे निशान लगाकर बताया कि यहाँ इस काफिर की लाश पड़ी होगी, जहां इस काफिर की लाश पड़ी होगी, जहां इस काफिर की लाश पड़ी होगी। ये कैडेट अभी जंग शुरू नहीं हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशेंगुई फरमा दी कि जहां इस काफिर की लाश होगी, इस काफिर की लाश होगी, इस काफिर की लाश होगी। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम फरमाते हैं जिस तरह जंग खत्म हुई तो जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहां पे इस काफिर की लाश होगी, यहां पे इस काफिर की लाश होगी, ऐन उसी जगह पे उसी काफिर की लाश थी जिस जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही फरमाई थी। इससे जाहिर होता है कि ये जंग जो थी ये कोई आम जंग नहीं थी, ये अल्लाह का वादा था और इसमें अल्लाह की मदद थी और अल्लाह की मदद ऐसी थी कि सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अपनी मदद को, फरिश्तों की मदद को अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा। कैसे देखा? सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम फरमाते हैं कि जब हम तलवार उठाते थे, जब हम तलवार उठाते थे अभी काफिर के सर के ऊपर मारते नहीं थे, अभी तलवार पीछे होती थी, काफिर का जो सर होता था वो कट जाता था तलवार लगने से पहले, यानी कि कत्ल करने वाले गर्दने काटने वाले कोई और थे। वो कौन थे? जिसका कुरान में अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है 1000 फरिश्तों का, वो फरिश्तों का नज़ूल हुआ था उस जंग के अंदर और मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी। फिर कैडेट्स ये फैसला कर जंग थी जिसमें मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी और 313 मुसलमान जंग में लड़े थे, 1000 काफिर थे, 14 मुसलमान शहीद हुए थे, 70 काफिर मारे गए थे, 70 गिरफ्तार हुए थे और बाद में ये वायदा हुआ कि अगर आप फिदिया दे दें तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। आपको अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह मशवरा दिया इनसे, इनके मुख़ालिफ़ सहाबे किराम ने मशवरा दिया तो इनको तालीम तरबियत का भी मशवरा दिया गया कि ये जो इनके पास फिदिया अगर नहीं है तो इनसे तालीम दी जाए, इनसे तालीम बच्चों को तालीम दिलवाई जाए। काफिरों ने मुसलमान तलबा को तालीम दी। ये कैडेट्स ये सोचने की बात है
कि वो तो काफिर थे, उन्होंने मुसलमान पर अब आपको क्या तालीम दी होगी, ये बात सोचने की है। लेकिन जिसके बाद कोई भी इलम था, कोई भी इलम था, अगर वो इंजीनियर था उस दौर का, या डॉक्टर था, या कोई कोई भी था दुनिया के हवाले से, जो भी इलम उसके पास था, उस इलम को मुसलमानों में उन्होंने, यानी कि मुसलमानों को वो इलम दिया और अपनी जान बचाई और अपनी जान बचाई, यानी कि उस दौर में भी इस इलम की अहमियत थी, दुनिया के इलम की अहमियत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी काफिरों ने मुसलमानों को तालीम दी। क्या तालीम दी थी? वो मुसलमान इस्लाम की तालीम तो नहीं दी थी उन्होंने, उन्होंने तालीम दी थी दुनिया की तालीम दी थी। पता चला कि इस्लाम में ये जो डॉक्टरी है, डॉक्टरेट की है या इंजीनियर की है, जो भी फील्ड है, हर फील्ड की जो तालीम हासिल करना है ये जरूरी है और ये इबादत है। डियर कैडेट, ये है आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट जो आयात हैं उसका हम तर्जमा और तशरीह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आइंदा के लिए शुक्रिया।